हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने लगा हूँ हाउ टू मेक अ कैक्टस फार्म। और ये अगर आपने मेरा पिछला वाला फार्म नहीं देखा जिसमें मैंने बताया कि हाउ टू मेक अ वेट फार्म सेमी ऑटोमेटिक, तो ज़रूर देख लेना। और ये सेमी ऑटोमेटिक नहीं, ये फुली ऑटोमेटिक है। कुछ इस तरह से 1 2 3 4, मेरे को तो वर्ल्ड मोस्ट इजीएस्ट फार्म लगता है, मतलब माइनक्राफ्ट का सबसे इजीएस्ट फार्म का अगर कोई पूछे तो मैं इसी फार्म का नाम लूँगा। और फिर आपको एक ब्लॉक्स गैप देके 3x3 की वॉल खड़ी कर लेंगे कुछ इस तरह से, देख लेना। एक ब्लॉक का गैप दे देना सब में, वरना ये काम नहीं चलेगा। और फिर आप ऐसे चढ़ के भी सर्वाइवल में भी जल्दी जल्दी लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। और ये कैक्टस फार्म के साथ साथ बोन मील फार्म भी है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और अगर आपने मेरे पिछले वाले ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक बेरी फार्म और ये सब की वीडियो नहीं देखी तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप ये सब वीडियोस देख पाओ। क्योंकि मैं हर दिन कम से कम 3+ फार्म्स ऐसे जो मैं खुद 3-4 बार ट्राई करता हूँ उनकी वीडियोस डाल देता हूँ ताकि वो आप लोगों तक पहुँचे। और फिर ये हमको ये बीच वाला ब्लॉक है, मिडिल ब्लॉक, ये छोड़ देना है। और फिर ये यहाँ से बनाना है कुछ इस तरह से। मिडल ब्लॉक को क्या करना है आपको, तोड़ देना है। अब मैं ये एक चेस्ट उसके ऊपर, तो फिर हम मेरे को एक और ब्लॉक ब्रेक करना पड़ेगा, एक चेस्ट, फिर यहाँ चेस्ट हॉपर कंपोस्टर हॉपर। हाँ तो बिल्कुल सही है, तो पहले मैं रख लेता हूँ चेस्ट, फिर क्राउच होके उसके ऊपर हॉपर, हॉपर के ऊपर कंपोस्टर, और कंपोस्टर के ऊपर फिर हॉपर। और फिर अब कुछ नहीं करना हमको, ये एक ब्लॉक लगा देना है फॉर अ सेफ्टी कि हमारे कैक्टस बाहर ना जाएं कुछ इस तरह से। और फिर यहाँ आना है हमको, सॉरी वाटर बकेट लेनी है, इस पानी डाल देना है तो ये पूरा पानी फ्लो होते होते यहाँ आ जाएगा। और ये इधर से आप अगर डाल देंगे तो इधर आ जाएगा। और फिर हमको एक फेंस लेना है कुछ, एक ब्लॉक उसको और ऊपर कर लेना है और फिर ये तोड़ देना है। और फिर ये देखो ऐसे तोड़ देना है इनको, और ये इतना हर हर का मिडल वाला आपको तोड़ देना है, सिर्फ मेन ब्लॉक वाला रहने देना है। अब हम यहाँ कैक्टस लगा लेंगे। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये कैसे वर्क करता है, फिर भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। चलिए तो देखिए पूरा तैयार हो गया, अभी हमको ऊपर का भी कवर कर देना है, वो मैं कवर करके आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, तो कैक्टस ऐसे उगेंगे कुछ इस तरह से, आपको दिखा रहा हूँ, देखो कुछ इस तरह से उगेंगे और फिर ये टूट के नीचे चले जाएंगे कुछ इस तरह से, और फिर वो कंपोस्ट कंपस्टर में जाएंगे इस हॉपर के थ्रू। और फिर हॉप और ये कंपस्टर हमको बोन मील बनाएगा, और बोन मील को ये वाला हॉपर खींच लेगा और फिर बोन मील चेस्ट में चला जाएगा। अगर आपको सिंपल बनाना है लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स आ रहे हैं और आपको वो करना है कि हाँ बहुत ज़्यादा चाहिए आपको बोन मील, तो आपको कुछ इस तरह का फार्म बनाना होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। तो आप कुछ ऐसा बना सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा अमीरी छा रही हो तो कुछ इस तरह का बना सकते हैं बोन मील फार्म। और फिर अगर आपको इससे भी ज़्यादा अमीरी छा रही हो, मतलब अल्टीमेट लेवल अमीरी, तो आप कुछ इस ये पहले मैं दिखा दूँ, ये नीचे का आप एक ऐसा रास्ता बना सकते हैं, इसको से कवर कर रहे हैं, ये देखो यहाँ और यहाँ दो चेस्ट रख सकते हैं। अगर आपको अब इससे अल्ट्रा वाली अमीरी छा रही है तो आप, मैं बता दूँ आप कैसा बना सकते हैं। और ये वाला आप फार्म तभी बनाएं जब आप बहुत ज़्यादा अमीर हो, क्योंकि मेरी तो हालत ख़राब हो गई इसको क्रिएटिव में बनाने में। लेकिन अगर हम सर्वाइवल में बनाते हैं तो हम एक तरह से एंटरटेन रहते हैं कि हाँ चलो ये वाला पूरा हो गया, बस चलो थोड़े ब्लॉक लेके आते हैं, थोड़े यानी सर्वाइवल का मज़ा ही अलग है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अमीरी छा रही हो, मैंने सोचा 5 बना दूंगा लेकिन 4 में तो मेरी हालत ख़राब हो गई। और इतनी मेहनत के बाद भी अगर आप लोग लाइक ना करें ना तो फिर, और सब्सक्राइब ना करें तो यानी हमारी मेहनत का कोई मतलब ही नहीं। अब खाली देखते हैं, देखो बोन मील किस तरह से आ रहा है।
पता नहीं कितने बोन मील, अरे कितने कैक्टस लगते हैं तभी एक बोन मील होता है, अरे सॉरी एक वो होता है क्या कहते हैं उसको, वो जैसा देते हैं वो कैक्टस, हाँ कितने पता नहीं कितने कैक्टस मिलते हैं एक बोन मील। अगर मैं डायरेक्ट कैक्टस कर रहा होता ना तो बात ही अलग थी। देखो देखा कितनी तेजी से इधर उधर गिर रहे हैं, और आगे ही मैं ऐसे और भी फार्म डालूंगा। तो मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरी मेहनत को देख कर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि मैं हर तरफ, मैं हर दिन करीबन 3 फार्म डालता हूँ वीडियोस, और वो भी कितनी ही बार ट्राई करके। देखो 24 का 25 हो गया। आप यहाँ अगर 10 to 20 मिनट खेल लोगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि नहीं बोन मील मिल गया भर भर के। चलो तो ये सनसेट के साथ हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।